पीएस न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। वो सच है क्योंकि 2014 में जब शुरू हुए थे तब MIM के कैंडिडेट थे, अपने मजाज भाई थे, उनको भारी अक्से में वोट गिरे, लेकिन फिर भी लोग TRS पार्टी का उस टाइम पे भी सपोर्ट करे। बाद में सेकेंड टाइम ताहिर भाई थे, फिर भी गणेश अन्ना जीते। अब शब्बीर भाई है, फिर भी अल्लाह के करम से गणेश अन्ना जीतेंगे, ऐसा मैं ज़रूर मानती हूँ। क्योंकि एक तो अपने कैंडिडेट इतने अच्छे हैं, सोने के टुकड़े हैं इन्हों, और बहुत शांत भी है। दूसरे तरफ कांग्रेस की आपको तो मालूम है, स्टेट वाइड भी उनका हालत कैसा है। एक अनार है 100 बीमार है, सिर्फ एक कुर्सी है, सब उसके लिए लड़ते रहते। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं, आज हम हक से बोल सकते KCR साहब ही हमारे अगले CM है। कांग्रेस वाले क्या बोलते, कौन है उनके अगले CM? तो वो कुर्सी की लड़ाई में वो मसरूफ रहते, लोगों के बारे में वो कभी भी नहीं सोचते। ये बात आज आवाम को भी पता है, इसीलिए आवाम चाहती है कि TRS जैसा एक स्ट्रांग पार्टी आए, एक स्टेबल पार्टी आए। स्टेबल पार्टी के हुकूमत में ही अमन और चैन रहता है, ये हम सबको भी मालूम है। काबट्टी मंची अवकाशम उंदी।